सो गुड मॉर्निंग गाइस, आपके एंगल ऑफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जुलाई 30 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश ने जरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने जरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रूस। तो रूस ने जरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर दो, IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो किया है SBI बैंक के साथ। SBI कार्ड और IRCTC ने मिलकर रुपए प्लेटफॉर्म पर एक नया को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड को रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। पूरा कर सकते हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस देश की स्टॉक्स कंपनी TSMC में 2 दिन में रिकॉर्ड 72 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है? तो जो TSMC है, यह किस देश की स्टॉक्स कंपनी है? तो यह है ताइवान की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर हम बात करें ताइवान की, तो ताइवान की कैपिटल है ताइपी, वहाँ की करेंसी है ताइवानी डॉलर। और अगर हम बात करें TSMC की, तो TSMC है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। अगर हम फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर हैं मॉरिस चेंग। अगर हम ताइवान के प्रेसिडेंट की बात करें तो ताइवान के प्रेसिडेंट है तसाई तसाई इन वेन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो यह किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और जो हमारे प्रेजेंट पृथ्वी केंद्रीय विज्ञान मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। क्वेश्चन नंबर फाइव, किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? तो वह जीता है आदित्य ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो आदित्य है वो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ITC ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? ITC ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो वो किया है सनराइज फूड्स का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सनराइज फूड्स। बात करें, पहले नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट? एंड द कंपनी वाज रिनेम्ड एज इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड लिमिटेड इन 1970। द कंपनी नाउ स्टैंड्स रिनेम्ड टू ITC लिमिटेड। और अगर ITC का एस्टेब्लिश की बात करें तो यह एस्टेब्लिश हुई थी 1910 में। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी विरल आचार्य ने। और जो विरल आचार्य, यह RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है जेमी वर्डी ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जेमी वर्डी।
क्वेश्चन नंबर 9, IMF ने COVID-19 के लिए किस देश को 4.3 बिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है इसका सी, दक्षिण अफ्रीका। यह COVID-19 के लिए किसी भी देश को मिला सबसे बड़ा ऋण है। जो किसे मिला है? साउथ अफ्रीका को मिला है। अगर हम साउथ अफ्रीका की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। तीन कैपिटल है यहाँ पर, ठीक है। जो केप टाउन है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और अगर बात करें ब्लोमफोंटेन की तो ये जुडिशियल कैपिटल है। अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। और जो IMF है, IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जॉर्जिवा, और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, और इसमें 189 कंट्रीज की मेंबरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? तो किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? तो वो देश है मिस्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मिस्र। देखो मिस्र में 5 महिलाओं को 2 साल की सजा और 3 लाख इजिप्टियन पौंड की सजा सुनाई है। अब 3 लाख इजिप्टियन पौंड कितने हुए? तो 14 लाख इंडियन रुपी के बराबर हुए। बात करें मिस्र की तो मिस्र का दूसरा नाम है इजिप्ट, और कैपिटल है कायरा, करेंसी है इजिप्टियन पौंड, प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी। कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है अक्कीतम को। एक बार करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं कल का। तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा अबू धाबी में। भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री की बैठक आयोजित हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला है MA हम्पी होली ने। भारतीय मानक ब्यूरो के नए BIS स्केयर को किसने लॉन्च किया? तो BIS के भारतीय मानक ब्यूरो के नए BIS स्केयर को लॉन्च किया रामविलास पासवान ने। नेक्स्ट है, मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया था? तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमें बताना है एशियाई विकास बैंक जो ADB है के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में तो शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और वहां से आप इन क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।